ये है बीपीए नेटवर्क और आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज, देश का सच दिखाते हैं हम। कानपुर से संवाददाता अब्दुल निसार की रिपोर्ट। समाजवादी व्यापार सभा कानपुर का मंडलीय सम्मेलन मर्चर चैम्बर हॉल के सभागार में संपन्न हुआ। इस मंडलीय सम्मेलन में व्यापारियों के आह्वान किया गया। व्यापारियों ने ठाना है सपा सरकार बनाना है। इस सम्मेलन में कानपुर नगर व देहात के आसपास के क्षेत्रों से सैकड़ों व्यापारियों ने शिरकत की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र मोहन अग्रवाल रहे। कैंट विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी कमलेश उमर ने कहा कि सपा के पिछले शासनकाल में व्यापारियों के हितों की के लिए किए गए तथा इस कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई थीं, जो कि अब प्रदेश सरकार ने सभी योजनाएं बंद कर दी हैं। वर्तमान सरकार में व्यापारी बहुत ही डरा हुआ सहमा हुआ है। इसके ऊपर सरकार द्वारा इतने टैक्स लाद दिए गए हैं कि वह उनसे उबर नहीं पा रहा है, तो व्यापार क्या करेगा। सम्मेलन में मुख्य रूप से किशन गुप्ता, जितेंद्र जायसवाल, कैंट विधानसभा क्षेत्र से भावी प्रत्याशी कमलेश उमर, सैयद आरिफ, मोहम्मद आसिफ कादिर, बलवंत सिंह, राहुल गुप्ता, शुभम गुप्ता प्रमुख आदि उपस्थित रहे। कमलेश उमर, समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता। समाजवादी पार्टी आज सम्मेलन के माध्यम से कानपुर मंडल के व्यापारियों को जोड़ने का काम कर रही है। जो व्यापारी जीएसटी से, पिछले वैट से और जो भी बढ़ी हुई मूल्य वृद्धि से परेशान है, उसके लिए समाजवादी पार्टी व्यापारियों के लिए एक आंदोलन करेगी। भाजपा को ये बताने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि व्यापारी आपके साथ नहीं है, व्यापारी आपके विरोध में है, आपको हराने का काम करेगा। आपने जिस प्रकार व्यापारियों शोषण किया है, परेशान किया है, उत्पीड़न किया है, आपके द्वारा अधिकारियों के द्वारा जितना उत्पीड़न किया जा रहा कभी नहीं हुआ, हर चीज में लूट है। एक समाजवादी व्यापार सभा की 2022 के चुनाव का आगाज, हाँ, समाजवादी पार्टी ने चुनाव का आगाज कर दिया है। व्यापारियों के मुहिम के साथ हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में हम लोग बता देंगे कि व्यापारी जो भी है समाजवादी पार्टी के साथ है, हम लोग उनकी लड़ाई पूरे रूप से करेंगे। YouTube पर अभी हमारे चैनल BPA News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप कोई भी खबरों को मिस न करें व हमारे वीडियोस को लाइक करें।